बनाने का काम किया है, जब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम कर रहे थे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने इन 135 करोड़ लोगों की ताकत को पूरे विश्व में बढ़ाया है, आज हम भली भांति जानते हैं कि आम कार्यकर्ता के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। साथ ही हम भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को अलग थलग खड़े करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज पूरे विश्व के अंदर में 193 देशों में योग दिवस मनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज हम भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, कभी राफेल को उठाते हैं, कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आम जन को भी पता है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी के लिए काम कर रहा है। जिस दिन आपने मुझे सांसद चुनकर भेजा था, मैं कहना चाहूंगा भली भांति बात के लिए समय कहा था सारे सांसदों को, देश के प्रधानमंत्री कहा था कि सब अपने शब्द भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ रहा ये सरकार काम करेगी तो गरीब के लिए काम करेगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपने जिले की बात करूँ तो मैंने अभी जो कहा था कि सड़कों के काम का जिक्र करूँ तो मैं कहता हूँ अजमेर से लेकर और सवाई माधोपुर तक जाना पड़ता है, आप दूध पचाओ से चल कर छान तक आ जाओ टोड़ा रायसी होते हुए 330 करोड़ का काम कम्प्लीट होकर जनता को समर्पित हो चुका है। अगर मैं टॉप से लेकर सवाई माधोपुर चलूँ तो 400 करोड़ का काम बनकर समर्पित रोड आपकी समर्पित हो गई है। अगर मैं गोथुम से चलूँ तो लाल सड़क होते हुए गंगापुर तक चले जाओ 850 करोड़ का काम आपको बनकर समर्पित हुआ है। अगर मैं सोयला से लेकर डिग्गी की बात करूँ तो 250 करोड़ का काम आपके बीच में चल रहा समर्पित हो चुका है। साथियों में गिड़वाने जिक्र करूंगा बहुत लंबे समय हो जाएगा, मैं ये भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम सबको भली भांति जानते थे कि आज से पहले विषम को बांध हमने बांधा हुआ था, अपनी जमीन दी थी, एक टॉक के निवासियों को पीने का पानी नहीं मिलता था। हम सब ने प्रयास किए और माननीय मुख्यमंत्री ने साफ किया, हम सबको तोहफा दिया, 856 करोड़ रुपए खर्च करके टॉक के पूरे जिले के अंदर में गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया है, आज से पहले कभी संभव नहीं था। साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की शुरुआत की थी कि हमने कहा था कि जब तक गरीब का भला नहीं होगा जब तक देश का भला नहीं हो सकता, और आज मैं भली भांति जानता हूँ जो कांग्रेस के शासन में 2 रुपए 5 रुपए सैकड़े में गांव में पैसा मिलता था, आज मैं कह सकता हूँ अपने जिले के अंदर में 45,000 महिलाएं समूहों के नाते अपने गांव गांव ढाणी ढाणी में आज पैसे देकर काम कर रही है। कोई भी आदमी किसी काम के लिए पैसे देता है, किसी काम के लिए पैसे लेता है तो हमारी महिलाओं के पास पैसा है, आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साथ में कहना चाहूंगा जिस हिसाब से हमेशा योजना के तहत हम सबको मजबूत किया है, आप भली भांति जानते हो 42,000 परिवारों को आज टोंक जिले के अंदर में भामाशाह योजना के तहत में आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने का काम किया है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच थी। साथ ही मैं भी कह सकता हूँ इस भामाशाह योजना के तहत में जिस हिसाब से हमारी महिलाएं बैठी है, महिलाएं गौर से सुने, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात चाहती है कि महिला को घर का समूह का अध्यक्ष बनाया जाए, महिला को अपनी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाए और सारी योजनाओं का पैसा आप जिनका भी पैसा आता है सारी योजनाओं का पहला महिला के खाते में आता है। प्रदेश की मुख्यमंत्री साफ शब्दों में एक बात कहती है कि जो भी घर में महिला अपनी दादी है माँ है अगर उसकी बेटा बहू उसकी सेवा करे, खूब पैर जमाए, कपड़े धोए, आपको खूब अच्छा खाना दे तो महीने में जब पैसे निकालने का समय आता ना तो पहले अंगूठा यूं लगता था, अंगूठा यूं लगता है। अगर सही इलाज हो सही काम करे तो बेटा बहू पैसे निकलवाना महीने में आए तो अंगूठा लगाओ यूं ताकि पैसे निकल जाए, और अगर सेवा ना करे तो अंगूठा दिखाओ यूं कि नहीं दूंगे पैसे। ये आप ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी सोच थी कि जैसे जब तक महिला को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ एक बार का जिक्र आता है क्योंकि सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बैठे हैं। मैं एक बात को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि आज से पहले 17 साल हो गए इस टोंक जिले को सिर्फ और सिर्फ इस रेल के लिए बहकाया जाता था क्योंकि आपको यहाँ से जाने के बाद आपको मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। अभी हमने पोस्टिंग ऑर्डर देखे हैं, कई जगह पोस्टिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज से पहले कभी भी कांग्रेस के शासन में टोंक को रेल नहीं मिली थी, कभी फिक्र नहीं आया था। साथियों में सांसद होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर में मैंने सांसद होने के बाद आपकी रेल का जिक्र किया और 873 करोड़ रूपए मंजूर करा गए टोंक को रेल का काम मंजूर हुआ है, आपसे पहले कभी संभव नहीं था जो बार बार लोग बात उठाते हैं। साथियों में ये भी कह सकता हूँ
473 करोड़ में मंजूर होने के बाद जो भी इतिहास को रेल रोको आंदोलन चलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो रेल जो भी समितियां बैठी, जो कार्यकर्ता बैठे थे, जो अलाइनमेंट का काम किया था, वो यही टोंक जिले के अंदर, इस टोंक शहर के अंदर में वो पूरी टीम ने काम किया है। आज साथियों ने कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि आपको जाकर जवाब देना होता है, आज अजमेर से लेकर टोड़ा होती हुई आपकी यहाँ से निकलती हुई टोंक की रेल का काम मंजूर होने के साथ साथ पूरा अलाइनमेंट हो गया, जमीन के एक बार के कागज बन गए, हर चीज में समय लगता है। अरे 70 साल आगे लगा रहे थे, हमने कम से कम इतना काम आगे बढ़ा दिया कि आज हमें कहना चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल की वजह से हम जमीन एक बार नहीं कर पा रहे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल इस कांग्रेस ने ऐसा जान को झंडा बनाया है कि आज कभी भी कोई पूरे 5 साल हो गए ना नदी के लिए, ना नहर के लिए, ना रोड के लिए साथियों जमीन एक बार नहीं कर सकते। हम ये तो मानते हैं कि किसान के भले का मामला था, किसान को 4 गुनी कीमत मिले, लेकिन कम से कम एक बात जो लगुना है उसमें मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर आज रेलवे किराए की जमीन इकबार करने शुरू करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जब तक पंचायत गांव 80% की कीमत नहीं देगा तब तक जमीन इकबार नहीं कर सकते। सारा पैसा दे दें, एक आदमी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए तो रेल का काम अधूरा रह जाएगा। जब तक भूमि अधिग्रहण बिल को ठीक नहीं किया जाए तब तक काम नहीं हो सकता। साथियों मैं ये भी कह सकता हूँ आप सबके बीच में, इस देश के अंदर में, जिस हिसाब से पूरे विश्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए, हम ये कह सकते थे जिस दिन मेहमानपुर से शुरुआत की थी, कच्चे मकानों की भरमार लगी हुई थी, आज से पहले कांग्रेस ने सिर पर सिर गरीबी हटाओ का नारा दिया था, एक देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आज हम ये कह सकते हैं कि अपने जिले के अंदर में 20,000 मकान अपने पंचायतों में बन रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता बंधु, अगर जैसे जैसे आगे मकान बनेंगे, ये पहले भी इंदिरा आवास योजना के तहत में ये योजना थी, लेकिन 3-3 साल तक एक एक किस्त आती थी, आज देश के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख रुपए देकर आज सबको सम्मानित किया है। आज हम ये कह सकते हैं जिस दिन 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया था, उन्हें कहा था मैं जात मानता हूँ कि शौचालय बनने जरूरी है, कांग्रेस के लोगों ने मजाक किया था कि देश का प्रधानमंत्री शौचालय बनाकर देश को आबाद करेगा, लेकिन साथ ही हम सब भली भांति जानते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री सिद्ध किया कि घर घर में शौचालय का बनाना ही बनाना नहीं, हम सबकी सोच बदल दी, क्योंकि गाँव में कोई आदमी आम शौचालय का यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री ने एक आम आदमी को इस बात के लिए प्रवेश किया कि आप शौचालय का यूज करो। और हम भली बात जानते हैं ब्रिटेन में जब माननीय प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री ने एक आदमी वहां का जो भी पत्रकार था, उस पत्रकार ने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी और आज वहीं प्रदेश तक आगे बैठे हो, कैसा सफर रहा आपका? उन्होंने कहा कि मैं उस दिन आज भी याद करता हूँ, 135 करोड़ की लागत, जो 135 करोड़ की ताकत हिंदुस्तानियों के मेरे साथ है, और मैं कहना चाहता हूँ मैं आज भी वो दिन भूला नहीं हूँ जिस दिन मेरी माँ फूकनी से चूल्हे में रोटी बना कर देती थी, मेरे माँ के आंसू जो बहते थे, आज वो दिन मुझे याद है। आज टोंक जिले के अंदर में 2 लाख महिलाओं को हम गैस के कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, साथ ही आज से पहले कभी संभव नहीं होता, किसी ने सोचा भी नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरी माँ शाम को जब अंधेरा होता था तब खेत में शौच करने जाया करती थी, आज मैं मानता हूँ कि 135 करोड़ के अंदर जितनी भी मेरी माँ है मैं सबको शौचालय देना चाहता हूँ, और पूरे देश में आज अनेकों पंचायतों को ओडीएफ कर दिया, अनेकों जिलों को ओडीएफ कर दिया। साथियों मैं आपका आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस दिन सत्ता संभाली थी, आज हम भली भांति जानते हैं कि जिस दिन हम सांसद बने थे, विधायक बने थे, लेकिन डीपी के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, आज भली भांति मैं कह रहा हूँ आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर घरों की लाइट 24 घंटे देने में कोई डीपी की दिक्कत हो, तार की दिक्कत हो, खंभे की दिक्कत हो, एक बार हाथ जोड़कर खड़ा करके बताएं, आज कोई समस्या हमारे बीच में नहीं है, घरों की लाइट 24 घंटे मिलती है नहीं मिलती, हाथ खड़ा करके बताओ, घरों की लाइट 24 घंटे, कोई डीपी की दिक्कत, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरा कोई भी किसान परेशान ना हो। साथ ही मैं भली भांति जानता हूँ कि यूरिया के लिए पहले साल हमारे होते हुए भी आपने लाठी खाई थी, लेकिन आज हमें कहना चाहते हैं यूरिया को नीम कोटी करके इस देश के प्रधानमंत्री कहा है, मेरे बड़े किसान मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी फसल का मुआवजा दूंगा। पहले साल के अंदर में जिस साल से 400 करोड़ का मुआवजा हमने दिया था, कोई सोच नहीं सकता था किसान को मुआवजा मिलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि किसान को मुआवजा मिलना अगर देने का काम किया तो प्रदेश की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमारे बीच में महाराज प्रधान के लिए हम सब ताड़ियों से स्वागत करें, गुरु महाराज जी के
मैं दंड करता हूँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्द हमारे बीच में आ रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बोलो भारत माता की। धन्यवाद।